नमस्कार, मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और मेरे इस नाक में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, तो 3-4 साल से दिक्कत थी वो। तो मैंने 2-4 जगह दिखाया, जयपुर में SMS में भी दिखाया और दूसरी जगह भी दिखाया, लेकिन वहाँ से कुछ अच्छी फीडबैक नहीं मिली मेरे को। उन्होंने अच्छे से देखा भी नहीं और अच्छे से गाइड भी नहीं किया, अच्छे से बताया भी नहीं। फिर मेरे एक रिश्तेदार ने बताया मेरे को जयपुर दूरबीन अस्पताल के बारे में। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब श्री सुनील तंवर जी ने मुझसे अच्छे से बात की और उन्होंने मुझे अच्छे से कंसल्ट किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके नाक में ये दिक्कत है, आपकी हड्डी बच चुकी है, आपका मांस बच चुका है। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इसका इलाज क्या है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद में आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऐसा कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप आज ही करवा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, जिसके बाद मैं स्वस्थ हूँ। और डॉक्टर साहब की, अस्पताल की और डॉक्टर साहब खुद की मेरे प्रति और मेरे इलाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव दिखा उनका। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब श्री सुनील तंवर जी को शुक्रिया करता हूँ। अस्पताल की और फैकल्टीज़ भी बहुत बढ़िया हैं और डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। और अब पहले क्या है, मेरे नाक से सांस लेने में दिक्कत होती थी, इस दिक्कत को 3-4 साल हो गए थे, लेकिन अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे नाक में अब कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब से जब भी मिलने आता हूँ वो अच्छे से बात करते हैं, पूरी चीज़ समझाते हैं और उसके बाद मुझे प्रॉपर इलाज देते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ना चाहिए ऐसी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर साहब के पास आइए, आपको अच्छा इलाज मिलेगा। और डॉक्टर साहब अपने पेशेंट के प्रति बेहद ही लगाव का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।